हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं नैनीताल। पारस भी और हमारा वेट कर रहे हैं, सभी हम रेडी हो चुके हैं। और साहिल भी आ चुका है हरियाणा से, दो तीन दिन ही हरियाणा गया हुआ था। तो कैसा एक्सपीरियंस था हरियाणा में, पुराने घर में? बहुत ही मजा आया सच्ची में। पुराने घर की तो सबको याद आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी, हमको भी बहुत आ रही है। बट चलो फिलहाल निकलते हैं। आज हमारे साथ में निखिल भी है, मेरे मामा का लड़का। चलते हैं पारस भैया के होटल में, फिर उनको वहां से उठाते हैं और फिर चलते हैं नैनीताल। वैसे जाना तो सुबह सुबह अच्छा रहता है, हम लेट हो गए, हम 11 बज चुके हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं नैनीताल, जो भी रहेगा। तो गाइज, आज हम कर रहे हैं अपना पहला मीटअप, वो भी नैनीताल में। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कि हम नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल में ग्राउंड है ना, तो देखते हैं कितने लोग हमसे मिलने आते हैं। और मैंने 2 बजे का टाइम दिया, अभी तो 12:19 हुए हैं, तो अभी हम पहुंच जाएंगे अराउंड 1-1.5 घंटे में। तो देखते हैं कौन कौन मिलने आते हैं, हमारा फर्स्ट मीटअप पीयूष के साथ में। फिलहाल पारस भी आ रहे हैं पीछे गाड़ी में, और हम पहाड़ पे तो पहुंच ही चुके हैं। तो भी गाइज, नैनीताल तो पहुंच गए हैं, लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही हमको यहाँ पे, सारी पार्किंग फुल है। और टाइम देखो 1:39 हो गया, 2 बजे का मैंने टाइम दे रखा है, 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, तो हमको भाग के जाना पड़ेगा। नैनीताल तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा गाड़ी में आने का, यहाँ पे सिर्फ बाइक में आओ या स्कूटी में आओ, हालत खराब हो जाती है गाड़ी में, पार्किंग ही नहीं मिलती। अब नीचे जाना पड़ेगा हमको पैदल। इस वाले ग्राउंड में बोला था मैंने मीटअप के लिए। अरे यहाँ कर सकते हैं मीटअप भाई, कोई दिख तो नहीं रहा मुझे। नीचे तो चलो, पोपट ना हो जाए कहीं, कोई मिलने ही ना आए। नहीं होगा पोपट, देखो वो बाइक पे भी खड़े हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बस एक दो तो आए मिलने के लिए, कहीं एक भी ना आए, एक दो तो आए बस, एक दो में ही अपना काम हो जाएगा। 2:10 हो गए। हाय हाय सर, प्लीज एक फोटो। चलो फाइनली बेइज्जती होने से बच गई। बच गए, पोपट नहीं हुआ, मुझे लगा कि क्या पता कोई आए ना आए। दादू, दादी के कंधे पे हाथ रखो ऐसे। इट्स अ 50th एनिवर्सरी दादू, एक प्लीज। अरे तो भी यहाँ पे तो काफी सारे लोग आ गए मिलने के लिए हमसे। सही से लो फोटो, सही नहीं आ रही। अरे सही से नहीं आ रही। ये आपके लिए नमकीन। अरे लोकल नमकीन है। थैंक यू। हाय पीयूष, कैसे हो? मेरे भाई आपसे बात करना चाहते हैं। हाय, कैसे हो? कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी सब। तो भी गाइस, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट मीटअप था और काफी सारे लोग, इतने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जितने भी सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए हैं, सबके लिए एक बुड्ढी का बाल। बुड्ढी के बाल धोए थे नहीं धोए थे? बहुत तेज भूख, बस खत्म हो मीटअप जल्दी से, फिर चलते हैं कुछ खाने के लिए। क्या क्या खाएगा खाना? भाई गजब ही हो गया, सारे ब्लॉगर एक साथ हो चुके हैं। देखो कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। अभी अभी हम निकल ही रहे थे तो ये फैमिली आए हैं मिलने के लिए। हम राजस्थान श्री गंगानगर के फैंस ऑफ सौरभ जोशी। 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला कैसे निकल गया, इतने सारे लोग मिलने आ गए ना, छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मेरे को जल्दी से आना पड़ा यार, क्योंकि अभी घूमना भी है, फैमिली भी आई हुई है ना पारस भैया की। बाकी बहुत अच्छा लगा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, लिटरली पूरी फैमिली। जो लोग नैनीताल घूमने आए हुए ना, उन्होंने स्टोरी देख ली और वो सीधा यहीं पे आगे मिलने के लिए। अच्छा लगा लेकिन बहुत। अब कुछ खाते हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। चाइना टाउन यहाँ पे हमारा सारा टाइम सब्सक्राइबर से मिलने में निकल गया, सारा का सारा टाइम। बोटिंग करनी है क्या? बाकी ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, व्यू तो काफी मस्त लग रहा है यहाँ से। तो आज हम जाएंगे इस वाली बोट में। तो फाइनली हम बैठ ही गए और पीयूष को बीच में बिठा दिया मम्मी पापा के। पारस भैया वहाँ पे है, साहिल वहाँ पे है, पीयूष को बीच में बिठा दिया। आज हरकतें नहीं कर सकता, यूजुअली बहुत हरकतें करता है ये, पानी उछालता है, क्या क्या करता है। तभी आज बीच में नंबर आया इसका। अब गिरा, भिगा के दिखा, अब भिगा। आधी जा रहा। तो भी जाते हैं, अपना बचपन का प्यार ले रहे हैं, आम पापड़ा इमली वगैरह बच्चों ने बहुत खाया था। तो अभी फिलहाल गाड़ी लेने के लिए मैं ऊपर आया हूँ, बाकी सब तो नीचे ही हैं, इतनी ऊपर चढ़ के कौन ही आता। कैसा लगा नैनीताल? बहुत अच्छा। आपको? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया ना पहाड़ पे तो? फर्स्ट टाइम। हेलो हेलो गाइस। अरे अरे डर गए। तो अभी पारस भैया के होटल रूम पहुंच गए हैं, उनसे फोन लेना था मेरा नया वाला, क्योंकि मुझे डाटा ट्रांसफर करना है ना, तो उनको पुराना वाला फोन दे दूंगा टूटा हुआ। यार सही है होटल तो, सही है यार होटल रूम। बहुत प्यारा है। कोई अगर हल्द्वानी आता है तो यहाँ पे स्टे करवा सकते हैं उनको।
है ना, सही है ना, बहुत प्यारा। तो चलें फिर कल मिलते हैं। कल कहाँ जाना है? कल बाइक पे सुबह। तो अभी गाइस घर पे पहुंच चुके हैं और काफी मजा आया नैनीताल में। सबसे ज्यादा मजा तो मीटअप में आया, मतलब इतने सारे लोग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आए जा रहे थे। इवन एक स्टोरी डालने में, जबकि मैंने स्टोरी एक घंटा पहले ही डाली थी, अगर मैं पहले एक दिन पहले डालता तो बहुत ही लोग आ जाते। बाकी लोग आ रहे थे, पीयूष से भी बहुत मिल रहे थे। कैसा लगा तेरे को फर्स्ट मीटअप? बहुत, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इतने लोग आ जाएंगे। पहले तो लग रहा था कि पॉपट हो जाएगा, बट हमारी इज्जत बच गई। तो ये तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आगे भी और अच्छे अच्छे मीटअप करते रहेंगे। बड़ी सिटीज में मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज अभी कोविड का सीन चल रहा है, तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। अभी नैनीताल गए थे तो नॉर्मल वहाँ पे कर लिया, पता था ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन इतने तो मैनेज होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर एकदम से आ जाए तो फिर थोड़ा पंगा होता है ना, पुलिस भी आ जाती है। तो अभी फिलहाल डिनर करते हैं। डिनर पता नहीं कौन सी सब्जी बनी है, आलू पता नहीं क्या है, और ये खा रहे करेला रोटी। मैं तो काफी थक गया हूँ बिकॉज नैनीताल तक ड्राइव करी, वहाँ पे घूमा भी और ड्राइव करके लाया भी हूँ मैं, तो काफी थकान लग रही है। तो डिनर करके मैं तो सो जाऊंगा, सुबह एडिटिंग करेंगे जल्दी 4 बजे उठ के। हे गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग काफी छोटा हो गया था इसलिए आज नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम पारस भैया से मेरा नया फोन ले आया था मैं, जो टूट गया था ना मेरा, उसको चेंज करा के पारस भैया ले आए थे। बाकी टूटा हुआ ये रहा मेरे पास में, ये वापस ले जाएंगे वो हरियाणा, और नया वाला ले आए हैं। तो इसको अनबॉक्स कराते हैं मम्मी जी से। चलो करो। वही है पहले वाला? हाँ पहले वाला ही दिखाना। अरे वाह, गार्ड लगवा के आते हैं स्पेशल। लगवाओ अभी, लगवाओ अभी। कितने महीने हो गए थे तेरे को नया फोन लाए? 3-4 महीने हुए, 3 महीने हुए शायद। ज्यादा थोड़ी हुए थे। ऑन कैसे होता है, चार्जिंग नहीं है इसमें? होगी चार्जिंग तो यार, हो गया हो गया। तो अभी मैं करता हूँ फिलहाल लंच। मम्मी ने आज छोले चावल बनाए हैं। बाकी आज हमारे घर में आए हुए हैं हमारे तीनों मामा, देखो पूरा घर भर चुका है हमारा। तो इसीलिए पारस भी और अपने होटल में हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर पे जगह ही नहीं है, इतने सारे लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बस, और हाँ इसलिए व्लॉग भी थोड़ा कम बना रहा हूँ मैं, इसलिए 2 दिन का एक ऐड कर देंगे और फिर रेगुलर ब्लॉक आएंगे, मतलब एक ही दिन का, फिर एक दिन आगे नहीं चलूंगा मैं। तो गाइस मैंने बोला था कि 8 तारीख को मेरा बर्थडे है, बर्थडे से पहले मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर करा देना, तो आपने करा दिया, थैंक यू सो मच। तो कल है 8 तारीख, आज तो 7 है, तो थैंक यू सो मच गाइस। तो वीडियो कल आएगा ना, उस हिसाब से बोला। हाँ सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे को तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया, 8 मिलियन हो गया, जल्दी से 10 मिलियन। पापा जी बहुत दूर से बोल रहे हैं। बाकी कोई बर्थडे का वैसे कुछ प्लान तो है नहीं हमारा, पार्टी वार्टी का, बाकी जो भी होगा देखी जाएगी। तो अब सारा डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं नए वाले फोन में, और पुराना वाला फोन फिर दे देंगे। तो अभी हम आए हैं शॉप पे नए फोन पे गार्ड लगवाने के लिए। भाई दिव्याज कहाँ गायब थे दिन भर? आज हम लोग पहले दिव्यांश के घर गए, फिर हम घर वापस आए, फिर हम कहीं और घूमे कुछ काम से जरूरी। कल मेरा बर्थडे और ये जा रहे हैं। केक कटवाने से क्या होता है, पूरा दिन साथ रहने चाहिए ना, पूरा दिन साथ रहना चाहिए। केक से ही थोड़ा ना बर्थडे होता है, एक फील तो आएगा कि हाँ मेरे बर्थडे पे साथ में थे, वो जरूरी है। केक थोड़ा ना जरूरी है। कवर भी दिखा दो, कवर कवर भी। कितने कवर लोगे? एक कवर इस बेचारे के लिए भी ले लो। ले ले। तो गाइस ये कवर मेरे को पसंद आया जो कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मस्त। आपने कौन सा ले, दिखाओ। मेरे को नीला दिलवा के, कुछ सफेद। इनका नीला, मेरा वाइट। तो गाइस धोखा हो चुका है, ये कह रहे कि 500 रुपए का एक कवर है लिटरली। लुट गए। दोनों के 500 देंगे अगर देंगे तो, नहीं तो रहने दो। वो अपना पुराना कवर साफ करने लगे, मुझे इतनी खुशी हो रही है। पुराना ही डालोगे, नया नहीं? बहुत भूख लग रही है, बाहर तो कुछ खाया नहीं, मम्मी फिर गुस्सा करके बाहर खाते हो, 2 दिन से बाहर ही खा रहे थे ना। फिलहाल यहाँ पे आलू और रोटी खाएंगे, रायता और पेठा बनाया, और दाल बनाई थी, दाल भी, और अपने मायके जो की हल्द्वानी में ही है, तो उनको जाना था गाँव, तो कहते चलो मैं मायके जाके आते हूँ। तो फिलहाल मैं करता हूँ डिनर और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आपने हमारा 2 दिन का व्लॉग देखा एक ही वीडियो में, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार सारे आ जाओ, पीछे से ले रही हूँ, एक बार सारे आ जाओ। हाँ आ रहे हैं।